तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो कि सैम्पल पेपर में या हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो हमें ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं। तो अब हम वो समझेंगे कौन कौन से टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। तो ये देखिए कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहला देखिए आपको है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको सिंपली चार जो है वो ऑप्शन दिए जाएंगे और उसका हमें आंसर देना है। तो दिस इज द टाइप वन एमसीक्यू। दूसरा टाइप का हमें पूछ सकते हैं, सारे जो है वो करेक्ट ऑप्शन होंगे और इसमें से एक जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, तो ये भी एक टाइप का एमसीक्यू होता है। एंड टाइप थ्री जो है जहां पर आपको मैच पेयर जो है वो दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक पेयर जो है वो रॉन्ग होगा, तो यहां पर देखिए आपको एक पेयरिंग जो है वो रॉन्ग है। इस तरीके से आपको एमसीक्यू जो है वो तीन टाइप के दिए गए हैं एज पर सैंपल पेपर्स, और एग्जाम में भी इसी तरीके से पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। जो टाइप वन दैट इज सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि नॉर्मल फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो पूछे गए हैं। और टाइप टू जो है वो होगा लिंक और रिलेशन बेस्ड। मीन्स जैसे कि देखिए रबी क्रॉप जो है वो है बाले, नेक्स्ट अगर हम खरीफ क्रॉप की बात करें तो वो है कॉटन। तो यहां पर आपको एक लिंक या रिलेशन बता दिया गया है और इससे आपको एक ब्लैंक जो है वो यहां पर पूछा गया है कि जैद क्रॉप जो है वो इनमें से कौन सा होगा। तो क्यूकुम्बर जो है वो एक जैद क्रॉप जो है वो होता है। तो आपको लिंक या रिलेशन बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज करेक्ट एंड री राइट। तो हमें किस तरीके से आंसर लिखना है वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहला आपको इन श्रीलंका एन एक्ट वॉज पास इन 1956 टू रिकग्नाइज तमिल एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दिस रिगार्डिंग सिन्हाला। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ पार्ट जो है वो गलत दे रखा है, ये चीज आपको गलत दे रखी है। ये देखिए आपको आंसर फिर से रीराइट करना है, जो पूरा सेंटेंस हमें लिखना है। तो देखिए इन श्रीलंका एन एक्ट वॉज पास इन 1956 जहां पर सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था। यहां पे देखा आपको रिवर्स कर दिया गया, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था और डिसरिगार्ड किया था तमिल को। तो हमें इस तरीके से करेक्ट एंड रीराइट का आंसर इसी तरीके से लिखना है एग्जाम में। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, जो कि सिंपल सा मैच द फॉलोइंग जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे उस तरीके से दिया गया, लेकिन हमें आंसर अगर हम बात करें तो हमें आंसर एग्जाम में इस वे में ही प्रेजेंट करना है। तो ये अच्छे से याद रखना, हमें ऐसे ही प्रेजेंट करना है। तो नेक्स्ट है इमेज बेस्ड, दैट इज जो भी टेक्सट बुक में आपको इमेजेस दे रखी है, हिस्ट्री में हो गया या दूसरे में हो गया, इको में हो गया, पॉलिटिकल साइंस में, तो जो भी इमेज से रिलेटेड आपको पूछ सकते हैं एक आपको इमेज दे देंगे और इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू जो है वो पूछ लेंगे। नेक्स्ट है कार्टून बेस्ड। कार्टून बेस्ड जो है जनरली जो है सारे कार्टून बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पॉलिटिकल साइंस में है। तो जितने भी पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक में जो कार्टून दे रखे हैं उससे हमें अच्छे से पढ़ के जाना है, बिकॉज कार्टून बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक है इमेज बेस्ड जिसमें पिक्चर्स और इमेज से रिलेटेड है, एंड नेक्स्ट है कार्टून बेस्ड। तो आपको कार्टून की नॉलेज जो है वो एमसीक्यू के थ्रू जो है वो आपको पूछेंगे। तो कार्टून बेस्ड और इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी हमें अच्छे से करके जाने हैं। नेक्स्ट है सीक्वेंस बेस्ड। सीक्वेंस बेस्ड में भी सबसे पहला हम देख लेते हैं करेक्ट ऑर्डर में हमें करना है। तो अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस के हिसाब से ये जो आपको दे रखा है स्टेप बाय स्टेप क्या सीक्वेंस आएगा तो ये हमें पूछा जाएगा। क्या दूसरा टाइप जो है वो होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सीक्वेंस, मीन्स डेट वाइज जो है हमें अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखो हिस्ट्री जो डेट वाइज जो है वो जनरली हिस्ट्री के जो होते हैं क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में, तो वो हमें पूछ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है फीचर बेस्ड वन मार्क क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ की फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स दी जाएगी, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा और आपको इसका आंसर जो है वो देना। तो यहाँ पर आपको फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी एक सॉइल की और आपको पूछा गया है कि ये कौन सा सॉइल है। नेक्स्ट है टेबुलर बेस्ड क्वेश्चन, जो कि जनरली एग्रीकल्चर में से आपको पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे राइस का दे रखा है एनुअल रेनफॉल हमें दे दी है 100 सेंटीमीटर, लेकिन क्रॉपिंग सीजन राइस का क्या है, उसका टेम्परेचर ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये हमें पूछा गया है। तो हमें इस तरीके से टेबुलर बेस्ड क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर में से
पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपको कंप्लीट द सेंटेंस पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे देंगे, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू रिड्यूस ओवर यूजेज ऑफ ग्राउंड वाटर इज डैश। तो यहां पर हमें पूरा सेंटेंस, ये वन वर्ड नहीं है, पूरा सेंटेंस हमें कंप्लीट करना है। तो इससे भी ये भी आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इको में से पूछा जाएगा। इको की जितनी भी केस स्टडीज है हमें अच्छे से याद रखनी है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपको एनालिसिस के लिए पूछेंगे। आपको एक केस दे देंगे और उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट इज वन वर्ड क्वेश्चन एंड आंसर। वन वर्ड क्वेश्चन एंड आंसर में सबसे पहला देखते हैं, जो नॉर्मल वन वर्ड के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो हमें एग्जाम में पूरा सेंटेंस जो है वो लिखना है। जो भी आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है और आंसर हमें फुल लाइन में लिखना है। टाइप टू की बात करें तो जनरली डेफिनेशन जो है वो पूछी जाती है पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स में, तो हमें डेफिनेशन भी एकदम अच्छे से याद रखनी है। और एक टाइप थ्री है फ्रॉम इको, जनरली उसको इको से पूछा जाता है, जैसे कि डेवलपमेंटल गोल क्या है किसी भी गर्ल का, या कोई भी डेवलपमेंटल गोल हमें इको से पूछ सकते हैं। तो ये थे वन वर्ड क्वेश्चन। तो ये सारे अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी हमें इसी तरीके से इमेज बेस्ड, हमें सारी इमेजेस अच्छे से करके जानी है, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है, हमें लॉजिकल सीक्वेंस अच्छे से समझना है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा लॉजिकल सीक्वेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आपको सीक्वेंस जो है वो देखनी है, आपको दे रखी है, सीक्वेंसेस के बेस में आपको पूछ सकते हैं। और ये देखिए मैच द फॉलोइंग हो गया, करेक्ट एंड रीराइट हो गया। तो इस तरीके से हमें सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अच्छे से प्रिपेयर जो है वो करके जाने हैं, बिकॉज इस बार एग्जाम में 16 मार्क्स का पूछ रखा है। आई होप आपको सारे टाइप जो है ऑब्जेक्टिव्स के क्लियर हो गए। तो हमने अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन देखे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार की एग्जाम के लिए, बिकॉज 16 मार्क्स का तो पूछा ही जाएगा। उसी के साथ साथ आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में भी एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो जितने भी एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है उसका नॉलेज या उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए, इसीलिए स्पेसिफिकली आपको ये वीडियो जो है वो डिलीवर किया गया है। आई होप आपको सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए। हैप्पी स्टडीज।